वेलकम बैक, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज के इस टॉपिक पे हम लेकर के आए हैं टेडो फाइटर से रिलेटेड नीट के लिए सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर नीट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे, जो कि प्लांट में टेडो फाइटर से ही सिर्फ क्वेश्चन लिए गए हैं, उन्हीं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइकोपोडियम क्या है। लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया का प्रोथैलस हमेशा होता है। अब आप जानते हैं प्रोथैलस सिर्फ और सिर्फ टेडोफाइट्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रूथैलस नहीं है, इसी वजह से इसको प्रोथैलस बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया एक स्पीसीज है। पूछा जा रहा है इसका जो प्रोथैलस होता है हमेशा कैसा होता है। कैसा होता है मतलब है ऑप्शन में है स्वापोषी होंगे यानी प्रोड्यूसर होंगे, स्वयं अपना पोषण करता होगा, या फिर परजीवी दूसरे पर आश्रित होगा, या मृत परजीवी या भोजन के लिए किस पर आश्रित होगा, सड़ गले मृत पदार्थों पे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यही इनमें से तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। लास्ट वाला जो है ऑप्शन डी, यही राइट आंसर है। उसके बाद नंबर दूसरा क्वेश्चन, सिलेजिनेला में ट्रेविकुली होती है परिवर्तित। जो ट्रेविकुली होती है सिलेजिनेला में किसके परिवर्तन से होती है, तो ऑप्शन में देखते हैं पेरिसाइक्लिक कोशिकाओं द्वारा, ये बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद कार्टिकल कोशिकाओं द्वारा, ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा हो जाएगा एंडोडर्मल कोशिकाओं द्वारा, या चौथा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से डी ए और बी, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। सी नंबर जो ऑप्शन आपका है वही राइट आंसर है, यानी एंडोडर्मल सेल के परिवर्तन होने से सिलेजिनेला में ट्रेविकुली बनती है। ठीक है, आगे नंबर तीन, तीसरा क्वेश्चन है सिलेजिनेला के तने में स्टील पाए। सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम पूरे टेडोफाइट से सबसे इंपॉर्टेंट जनरा हैं दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सिलेजिनेला के तने में स्टील पाया जाता है। स्टील क्या होता है, स्टील एक सॉलिड पार्ट होता है जो कि टेडोफाइट से ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और ये क्या करता है पौधे को मजबूती प्रदान करता है ताकि वो सीधा इरेक्ट रूप में खड़ा रह सके। ठीक है, आइए यानी कह सकते हैं प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम देखते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोस्टील, सोलेनोस्टील, पोलिस्टील और डिक्टोस्टील। इनमें से हम देखते हैं प्रोटोस्टील और सोलेनोस्टील रॉन्ग आंसर हो जाएगा, पोलिस्टील भी रॉन्ग है, डिक्टोस्टील भी रॉन्ग है। जो नंबर ए वाला ऑप्शन है प्रोटोस्टील, यही राइट आंसर है आपका। ठीक है, अब नंबर फोर क्वेश्चन पर देखते हैं। नंबर फोर पे सिलेजिनेला में कितनी प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। सिलेजिनेला में कितने प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, लीफ कितने टाइप की होती हैं, एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की, या बहुत प्रकार की। एक प्रकार की भी नहीं होती और तीन प्रकार की भी नहीं होगी, बहुत प्रकार की भी नहीं होगी, तो होगी कितनी, दो प्रकार की। सिलेजिनेला में ऐसे ही लीफ लगी होती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ ऐसे लगी होंगी, बीच में भी सेंटर में भी लगी होंगी और साइड से भी ऐसे लगी होती हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं, एक तो ये हो गई और दूसरा सेंटर वाली हो गई, छोटी होती स्मॉल होती है, इस वजह से इसमें दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, बीज आदत पाई जाती है किसमें, मार्सीलिया में, यानी सीड हैबिट बोलते हैं इसको, सीड हैबिट किसमें होती है, मार्सीलिया में, सिलेजिनेला में, इक्विसिटम में, राइनिया में, किसमें होती है ये आपको बता। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा मार्सीलिया। क्या हो जाएगा, मार्सीलिया। ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर हो जाएगा, सिलेजिनेला ने नर गैमेट होते हैं। सिलेजिनेला में नर गैमेट होते हैं, क्या होते हैं नर गैमेट। ऑप्शन नंबर एक बाईफ्लैजलेट, मोनोफ्लैजलेट,
मल्टीप्लाइज यानी वाई मतलब दो फ्लैजला पाया जाता है, यानी गैमिट में, नर गैमिट में यानी एंथ्रीडियम में कितने फ्लैजला पाए जाते हैं। फ्लैजला का काम होता है लोकोमोशन करना, ठीक है, यानी उसकी मदद से कोई भी जो इसका फ्लैजला होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, सॉरी मतलब जो गैमिट होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोकोमोशन कर सकता है फ्लैजला की हेल्प से। तो दो फ्लैजला होता है, एक फ्लैजला होता है, ढेर सारे होते हैं, या फिर ए फ्लैजला या होता ही नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन तीनों गलत है, जो ए नंबर है वो राइट आंसर है। उसके बाद सेवन नंबर में आ जाते हैं, लाइकोपोडियम का प्रोथैलस धारण करता है, क्या धारण करता है, स्पोरोफाइट, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, दोनों जननांग। तो इनमें से हो जाएगा स्पोरोफाइट गलत हो जाएगा, एंथ्रीडियम गलत हो जाएगा, आर्चिगोनियम भी, चूँकि आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम दोनों प्रोथैलस में पाए जाते हैं, इसलिए नंबर डी जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। उसके बाद आठवां नंबर में लेग्यूल तथा कान पाए जाते हैं, कान नहीं कौन होता है ये, ठीक है, लेग्यूल और कौन किस में पाए जाते हैं, सिलेजिलिना में, लाइकोपोडियम में, आइसोटिस में, और क्या है, साइलोटम में, किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो लेग्यूल होता है और कौन, वो सिलेजिलिना में पाया जाता है, बाकी तीन ऑप्शन आपके गलत हैं। उसके बाद नंबर नाइन पे आ जाते हैं, जो नाइन आंसर है, रानिया में नहीं पाया जाता है पत्तियां, पूर्ण विकसित स्पोरोफिल, जड़े, उपरोक्त में से सभी, इनमें से ये तीन के तीनों नहीं पाए जाते, इसलिए नंबर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर टेन नंबर हो जाएगा, सरल कोलेराइड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, फर, तो इसमें से हो जाएगा फर्न में, ठीक है। उसके बाद 11th में आ जाते हैं, स्पोरोकार्प पाया जाता है, स्पोरोकार्प किस में पाया जाता है, तो साइलोटम नहीं पाया जाता, लाइकोपोडियम नहीं पाया जाता, मार्सिलिया, राइनिया में भी नहीं होता, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12th में आ जाते हैं, टेडोफाइट्स के बीजाणु होते हैं, टेडोफाइट के जो बीजाणु होते हैं क्या होते हैं, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, क्या होते हैं, इसमें से हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हैप्लॉयड हमेशा होते हैं। उसके बाद 13 नंबर, टेरिडियम में जड़ पाई जाती है, मुसला जड़, अपस्थानिक जड़, राइजोइड, कोरेलाइड, इसमें से हो जाएगा अपस्थानिक जड़ पाई जाती है, ये रॉन्ग है, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। 14 नंबर में टेडोफाइट सामान्यतया कहलाते हैं, टेडोफाइट सामान्यतः क्या कहलाते हैं, टेडोफाइट सामान्यतः कहलाते हैं फेनरोगैम्स, संबंध क्रिप्टोगैम्स, पादप जगत के उभयचर, और डी नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें से हो जाएगा आपका संबंध क्रिप्टोगैम्स, क्या हो जाते हैं, संबंध क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर, राइनिया संबंधित है, किससे संबंधित है, कार्बोनिफेरस से, परमियन पीरियड से, डेवोनियन पीरियड से, कैम्ब्रियन से, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, नंबर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डेवोनियन पीरियड में, पैलियोजोइक एरा के डेवोनियन पीरियड में राइनिया का उद्गम हुआ था, ठीक है। नंबर 16, हेट्रोस्पोरी का कारण है, हेट्रोस्पोरी मतलब होता है दो टाइप के स्पोर का बनना, माइक्रो एंड मेगा, यही है, इसका कारण क्या है, हेट्रोस्पोरी क्यों बनता है, पोषण की वजह से, तापमान की वजह से, आर्द्रता की वजह से, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। पोषण की कमी की वजह से जो स्पोर हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रो एंड मेगा में। 17 में, सिलेजिलेना में स्पोर होते हैं, एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सिलेजिलेना में माइक्रो एंड मेगा दोनों प्रकार के स्पोर बनते हैं, इसलिए नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 में हो जाएगा, ट्रेडियम के स्पोर होते हैं, ट्रेडियम के स्पोर किस प्रकार के होते हैं, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित, मतलब हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड, इसमें से पहला सी नंबर डी नंबर रॉन्ग आंसर, डिप्लॉयड सॉरी बी भी गलत है, नंबर ए ऑप्शन इसमें से सही है, हैप्लॉयड होते हैं, कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। उसके बाद 19, माइक्रोराइजल सहसंबंध पाया जाता है, किसके साथ, लाइकोपोडियम के प्रोथैलक में, लाइकोपोडियम के जड़ों में, सिलेजिलेना की जड़ों में, लाइकोपोडियम के बीजाणु उद्भिद में, इसमें से सभी ऑप्शन गलत है, लाइकोपोडियम के प्रोथैलस में इसका माइक्रोराइजा का संबंध होता है। 20 में,
इसमें आ जाइए, सीड हैबिट की उत्पत्ति है टेडोफाइट से, ब्रायोफाइट से, एल्गी से, फंजाई से। तीनों ऑप्शन गलत, जो ए नंबर है वही राइट आंसर है। तो ये था आज का नीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और बीएससी फर्स्ट ईयर के भी काम में भी काम आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।